हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड है। 3a + 1x + 3y - 2 = 0, a² + 1x + a - 2 * y - 5 = 0। अब 13 क्वेश्चन में क्या था, हमें यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी थी फॉर नो सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे हमें नो सोल्यूशन के लिए ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो नो सोल्यूशन का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, a1 / a2 फिर इक्वल टू b1 / b2 और नॉट इक्वल टू c1 / c2। अब यहाँ पे ये कंडीशन होता है। अब यहाँ पर हम a1 को लिख लेते हैं। तो a1 हमारा क्या है, 3a + 1a1 है हमारा। तो 3a + 1 और a2 हमारा क्या है, a² + 1 है। तो a² + 1 इक्वल टू, अब b1 हमारा क्या है, b1 ये b प्लस पे है तो यह हमारा 3 है और b2 हमारा क्या है, a - 2 है। फिर यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देंगे और c1 हमारा क्या है, अगर यहाँ पे -2 और -5 लिख लेंगे तो -2 / -5 ऑलवेज कैंसिल होकर आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वल का है इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी 3a + 1 / a² + 1 = 3a y, ये -2 हो जाएगा और ये नॉट इक्वल तो कोई काम ही नहीं इसमें। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मैथड अप्लाई करेंगे। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे यहाँ पे क्या है, 3a + 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे a - 2 से। अब इसके बाद a² + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। अब यहाँ पे a² + 1 इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 3 से करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 3a + 1 और मल्टीप्लाई a - 2, इसको मल्टीप्लाई करना आपको अलजेब्रा में फाइंड। तो यहाँ पे 3a का मल्टीप्लाई जब a में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और a * a क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3a² हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई एक बार हमने इसमें किया, अब एक बार हम सेकंड वाले में करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस पहले माइनस हो जाएगा। और फिर 3a का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो 2 × 3 = 6 और 6a आ जाएगा। और फिर हम +1 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a * a1 क्या हो जाएगा, +a हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस तो माइनस आ जाएगा और 1 * 2 = 2 आ गया और ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे हम, 3a² और 3 × 1 = 3 हो गया। अब 3a² और यहाँ पे भी 3a² है, प्लस प्लस दोनों साइड है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इस साइड से करें 3a² और इसको इस साइड लेते हैं तो भी क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, -6 है और प्लस ए क्या हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे अगर 6a में से a को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5a आ जाएगा। और साइन कौन सा होता है, जिसका साइन ग्रेटर हो, जिसका नंबर, तो यहाँ पे किसका ग्रेटर है, माइनस का, तो यहाँ पे -5a लिख देंगे हम। फिर यहाँ पे क्या होता है, लिखेंगे हम -2, यहाँ पे इक्वल में क्या, 3a² तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या, 3 बचा। अब यहाँ पे -5a = 3 है। अब ये -2 इस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो -5a = 3 + 2 = 5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a = 5, और ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो यानी 5 5 कैंसिल होकर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1 आ गई, और ये सेकंड वाले का आंसर हो गया।